हेलो एवरीवन, कुक विद अनु में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है गलगल का खट्टा मीठा अचार। तो चलिए गलगल का खट्टा मीठा अचार बनाते हैं। गलगल का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो गलगल ली है, उसको अच्छी तरह से धो के और ये काट के छोटे छोटे पीस, और इसको 4-5 मैंने धूप लगा ली है। इनका मॉइश बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये देखिए, एक कटोरी मैंने सरसों का तेल लिया, एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, एक छोटा चम्मच काली मिर्च, आधी कटोरी चीनी, एक चम्मच मेथी दाना, एक चम्मच सौंफ, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख लिया। सूखे मसाले हम थोड़े से रोस्ट कर लेंगे। मेथी दाना डाल रही हूँ और ये सौंफ, हम इनको थोड़ा सा भून लेंगे जिससे इनका मॉइश ख़त्म हो जाए। ज़्यादा नहीं भूनना, हमें थोड़ा सा भून लेना है इनको। फ्लेम मैंने लो मीडियम ही रखी है। इसके बाद हम इनको मिक्सी जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है अचार में। हमारे मसाले भुन चुके हैं। देखिए, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया। अब हम इसको मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। हमें ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, फिर थोड़ा दरदरा सा पीस लेना है। हमारे मसाले पीस चुके हैं। ये देखिए, दरदरा ही पीसा है मैंने। कढ़ाही में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख लिया। अब मैं इसमें ये सौंफ और मेथी दाना जो दरदरा पीसा था उसको डालूंगी। इसके बाद हम गलगल को डाल देंगे। और अच्छी तरह से हिला लेंगे। अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी। काली मिर्च ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। एक चम्मच डाली है करी मैंने। हल्दी एक छोटा चम्मच। नमक स्वाद अनुसार एक चम्मच के करीब डाला मैंने। और चीनी 3 चम्मच डालूंगी मैं। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा अचार बनता है ये। आप इसे परांठे के साथ, पूड़ी के साथ, चावल के साथ कैसे भी खाएं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि इसको मैंने 4-5 दिन पहले ही धूप में सुखा लिया था। और आप इसे महीनों सालों तक इसको रख सकते हैं, ये अचार ख़राब नहीं होता। ये देखिए कितना अच्छा बना है अचार। लीजिए, हमारा गलगल का खट्टा मीठा अचार तैयार है। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी ये अचार गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इस जार में इसको डाल देंगे।
और इसको आप महीनों सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप आपको गलगल का खट्टा मीठा अचार अच्छा लगा होगा। आप इसे कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो गलगल का खट्टा मीठा अचार बनाइए, खाइए, अपने अनुभव कुक विद अनु के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें।